नमस्कार। आप लोगों का एक सामान्य प्रश्न होता है, जो लोग बैच में हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है, खंड शिक्षा अधिकारी के बैच से, पीसीएस के बैच से, आरओ के बैच से, कि सर कुछ भी पढ़ते हैं याद नहीं होता है, आप दिन भर में इतनी क्लासेस दे डालते हैं, हम नोट्स पढ़ते हैं, कुछ भी याद नहीं होता है। 5 मिनट का समय निकालिए, मैं एक मैथड आपको बताने जा रहा हूं। खुद का परीक्षित किया हुआ, परीक्षण किया हुआ ये मैथड है, टेस्टेड है, टेस्ट लिया जा चुका है, और जो सफल कैंडिडेट हैं, बिल्कुल करीबी, ऐसे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और वो बहुत कम समय में बहुत अच्छे से कोई भी टॉपिक तैयार कर पाए। इस मेथड को मैं नाम देता हूं IUW मेथड। हो सकता है आपके लिए ये पहली बार सुना जाने वाला शब्द हो या आप इससे परिचित ना हो, लेकिन 5 मिनट में सब आप समझ जाएंगे। होता यह है कि जब हम कुछ तैयार करने चलते हैं तो हमारी अपेक्षा खुद से ये होती है कि हम एक बार पढ़ें और सारा कुछ हमारा तैयार हो जाए, हमारा सब कुछ तैयार हो जाए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाए, सब तैयार हो जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे स्वामी विवेकानंद जी तो पढ़ सकते थे, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते थे। कुछ अपवाद अलग अलग हर क्षेत्र में होते हैं, वो कर सकते थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही कर सकें। आप वैसे विकसित करें खुद को, तब आप वैसा कर पाएंगे। लेकिन हम आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो हमको सामान्य व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति कैसे कोई भी चीज तैयार करके एग्जाम पास कर जाता है, कम समय में पास कर जाता है, और बहुत ज्यादा समय तक पढ़ने के बावजूद बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। IUW, इसको हम नए पेज पे लिख के चलते हैं और एक एक चीज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। IUW ये हमने यहां पर इसलिए लिख दिया है कि इसको एक एक करके हम आगे डिफाइन करेंगे और इसको समझते चलेंगे कि इस मेथड में है क्या। सबसे पहले जब आप कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो किताब टारगेट करिए ना। सबसे पहले तो आप ये बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी किताब कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा काम हो, उसकी शुरुआत कहीं छोटे से होती है, तो किताब की बजाय उसको खंड में और खंड की बजाय उसको चैप्टर में बांटकर आपको पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ना शुरू करें, तो जब आप फर्स्ट राउंड रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो क्लास हो और चाहे वो बुक हो, फर्स्ट राउंड रीडिंग कर रहे हैं, क्लास के मामले में इसको वॉचिंग बोल देंगे, तो फर्स्ट राउंड रीडिंग को आप IFR ये मान के चलिए कि ये इंट्रो रीडिंग है। इसको क्या कहिए, ये इंट्रो रीडिंग है, IFR इंट्रो। जैसे आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में सब कुछ नहीं जान जाते हैं, उसकी सामान्य बातें आप जान पाते हैं, नाम जान पाते हैं, कहां से आया बस इतना जान पाते हैं, देखने में कैसा लग रहा है इतना जान पाते हैं, तो इंट्रो रीडिंग ये होती है। पहले ही राउंड में पढ़ते समय ये बात बखूबी दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको सब याद नहीं रहने वाला है, लेकिन रीडिंग हेल्दी होनी चाहिए। तो इंट्रो रीडिंग भी कैसी होनी चाहिए, एक हेल्दी रीडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी याद नहीं करना है तो आप सरसरी निगाह से ऐसे पढ़ते चले गए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कुछ भी याद ही नहीं करना है। सब याद किसी को रहता भी नहीं है, माना जाता है कि आपने जो पढ़ा है थोड़ी देर बाद आपसे पूछा जाएगा तो 10-20% चीजें याद रहती हैं। डिपेंड करता है कि पहले आप उस टॉपिक से कैसे परिचित हैं, अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तो कहीं ना कहीं ज्यादा बार। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक आप लेते हैं जिसके प्रश्नों के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता होता है कि यहां से प्रश्न पूछा गया, वही चीज आप ढूंढते हैं उसमें, तो वहां पे बात थोड़ी सी अलग होगी। नहीं तो सामान्य तौर पर ऐसा करेंगे, उसकी बात अभी हम बाद में करते हैं। फिर आप दूसरे राउंड की रीडिंग लीजिए। दूसरे राउंड की रीडिंग अपेक्षाकृत कम समय में होगी। पहले वाले राउंड में जो भी रीडिंग आपने करी थी तो उसमें जो समय लगा था उसका 60-70% यहां पर लगना चाहिए। तो जो सेकेंड राउंड की रीडिंग होती है, इस रीडिंग में आपको क्या करना है, आपको UFR अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये रीडिंग अंडरलाइन का मतलब क्या है, कई लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग पेंसिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई लोग पेन का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी किताब को कैसे गंदा करना चाहते हैं। लेकिन साफ किताब किसी काम की नहीं होती है, साफ जिंदगी भी किसी काम की नहीं होती है। अनुभव आपको तभी आएगा जब उसको कहीं ना कहीं खपाएंगे, पकाएंगे। अब आप सोच रहे हैं चुपचाप कमरे में बैठे रहे,
बिल्कुल धूप ना लगे, खरोंच ना लगे, कहीं बाहर निकलेंगे कहीं कुछ हो जाएगा, तो ऐसे किसी काम के आप नहीं रह जाएंगे। किताब भी गंदी होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसे भी गंदी मत कीजिए कि खुद पढ़ने का मन करे। तो यू फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है हाईलाइट करना, अंडरलाइन का मतलब है काम की चीजों को किताब में इंगित कर देना। फिर जब आपकी अगली रीडिंग लगेगी है ना, उससे पहले एक काम और आपको करना है, जो आपने यहां पर अंडरलाइन किया है उसको अब ये देखिए कि आप कर क्या पा रहे हैं। थर्ड राउंड की रीडिंग अभी नहीं लगाना है, अब आप देखिए कि उसमें से कुछ निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। तो तीसरे राउंड की अब रीडिंग नहीं है, तीसरे राउंड में मैं आऊंगा राइटिंग पे, और ये W फॉर राइटिंग है। यहां पर सीधे मैं राइटिंग पे आऊंगा, और राइटिंग में भी वही चीज होगी कि जितना पढ़ा है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सारा कुछ आपको याद नहीं रहेगा। तो सब याद नहीं, यहां पर भी ये बात लागू होती है कि ये सब याद नहीं रहेगा, तो जो याद है उसे लिखें। अब लिखेंगे क्या, आपने कहा कि आप तो प्रश्न दीजिए तब लिखें, नहीं प्रश्न देके नहीं लिखना है। मान लीजिए कि आपने विज्ञान पढ़ा और विज्ञान में गति के बारे में पढ़ा, पूरा चैप्टर था। आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने भारत के भूगोल में पहला चैप्टर पढ़ा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा, तो जो जो भी आपको गलत सही याद है उसको लिख डालिए। और इस राइटिंग को और सही से अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि इसकी सिनॉप्सिस आप बना डालिए, इसको मैं कहूंगा कि इसको सिनॉप कर डालिए, इसकी सिनॉप्सिस बना लीजिए। यहां पर कोई ड्रॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे हैं, यहां पर ऐसे भी नहीं लिख रहे हैं, यहां पर आपके पास MCQs भी नहीं है, लेकिन जो भी आपने सीखा उसको आप वैसे लिख लीजिए। कई चीजें आप गलत लिखेंगे, जिस कॉन्फिडेंस में आप पहले राउंड में थे कि अरे मुझे सब याद है, यहां पर जब आप लिख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा फैक्ट आप लिख रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि इतनी गलती मुझसे हो सकती है। लेकिन राइटिंग करेंगे तो वो गलतियां निकल के सामने आएंगी, गलत सही जो भी है लिखिए। और ये जो आप लिखेंगे इसकी भूल सुधार आप, इसका भूल सुधार भी आपको करना है। इसका उद्देश्य क्या है, इस स्टेप का उद्देश्य क्या है, इसमें जितनी भी गलतियां हुई हैं तो इसको आपको सुधारना है, तब थर्ड राउंड की रीडिंग लगाएंगे। और थर्ड राउंड की रीडिंग में अब काम की चीजें निकालेंगे कि हम GS के लिए काम कर रहे थे, हम SA के लिए काम कर रहे थे, हम MCQs के लिए काम कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे और हमने कितना सीखा है। अब यहां पर उठाइए क्वेश्चन देखिए, मेन के क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिए, ऐसे देख डालिए कि हाँ ऐसे ऐसे पूछा जाता है, तो उसमें इस ऐसे कोई डायरेक्टली ऐसे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे में आप कोट्स का इस्तेमाल, विचारों की बात, पंक्तियों की बात जो करते हैं, जो डिटाज देते हैं, आंकड़े जो वहां पर देते हैं, विचारों की एक क्रमबद्धता ही तो है। ऐसे आंसर आपका क्या होता है, जिस टॉपिक से आप रूबरू हैं उसमें विचार आपके बहुत अच्छे होंगे, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो वहां पर आप अनाप शनाप लिखने लगते हैं, पूछा कुछ गया है लिखते कुछ है, तो ये काम आप करिए। कुछ भी तैयार करने का तो पहले राउंड में सोचिए गए नहीं, और इस प्रक्रिया यानी कि IUW मेथड से आप पढ़ के देखिए। मान लीजिए कि आपने पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने एक रीडिंग उसकी लगा ली ध्यान से, दूसरे राउंड में हल्का फुल्का कुछ अंडरलाइन कर लिया, तीसरे राउंड में बैठ के लिख डाला। पूरी प्रक्रिया पहले राउंड में अगर आपको 15 मिनट लगा है, दूसरे में 10 लगेगा, और तीसरे राउंड में जब लिखने कहा जाएगा तो आप 2-3 मिनट के बाद आपका हाथ नहीं चलेगा, आपकी पेन रुक जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में आप सीखते रहेंगे, आपका दिमाग उसी दृष्टिकोण से फिर काम करना शुरू कर देगा, पहले राउंड से ही वो सोचना चालू कर देगा। और ऐसा 14 दिन तक करिए, 15वें दिन से आप जब भी कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से निकालने की आपकी आदत हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा पेपर ही रख लेते हैं कटिंग करके, पूरा पेपर 2500 शब्दों का लेख है, 3000 शब्दों का लेख है, उसको आप कहां यूज करेंगे, कहीं नहीं। काम की चीजें उसमें आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, ऐसे की दृष्टि से, GS की दृष्टि से उसमें बहुत कम होती है, 30%, तो उसको 700-800 शब्दों में, 400-500 शब्दों में निकाल के रखिए। तो ये मेथड आप अपनाइए, कुछ भी आपका तैयार हो जाएगा, कुछ भी तैयार हो जाएगा। जो जैसे बहुत सारे लोग वक्ताओं को आपने देखा है, उनका सब ऐसे सिक्वेंस में ऐसे तैयार रहता है, कई बार
मुझे भी आपने देखा होगा, कई चीजें मैं जब एलोबरेट करता हूं तो चीजें याद आती रहती हैं, तो वो ऐसे नहीं हो जाता है, उसको जब कई बार आप रीड करेंगे तो धीरे 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 चीजें ऐसे दिमाग में बैठती चली जाती है। तो पहले सिलेबस को तोड़िए, तोड़ के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जैसे भी है इस मैथड से आप पढ़िए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। तो किसी भी बैच में कहीं पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स आपको दिया गया है, उन सभी नोट्स का टीचर के जो लेक्चर्स हैं उनका फायदा आपको तभी मिलेगा। मान लीजिए कि ये वीओ का बैच है, इसमें मैं कंप्लीट आपको सिलेबस कराऊंगा, पूरा नोट्स दूंगा, रेगुलर टेस्ट दूंगा, टेस्ट आप कैसे देंगे जब आपको कुछ याद रहेगा, आंसर राइटिंग कराऊंगा तो आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे, आरओ का भी ऐसे ही बैच है। तो इन सारे बैचेस में वो लोग ही सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे जो लोग इसको ऐसे इस मेथड से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी सबकी क्षमता अलग अलग होती है। यहां पर एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, कभी कभी ये अंडरलाइन का प्रोसेस फर्स्ट रीडिंग में भी होता है, जिनकी चीजें तैयार होती हैं जो केवल उस टॉपिक को अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करने गए हैं, तो ये वहां शिफ्ट कर सकता है और डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है हर एक व्यक्ति की स्ट्रेटेजी में, हर एक व्यक्ति की क्षमताओं में। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में और बात करते हैं ऐसी ही कुछ आपकी समस्याओं के बारे में और उसका सोल्यूशन करने की बात करते हैं, क्योंकि समस्याएं तो होती ही हैं, समाधान करना, जो समाधान करे वही विजेता कहलाता है। थैंक यू सो मच।